press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Salman Khan, हिंदुस्तान में किसी की भी परेशानी रही तो इंडस्ट्री में एक ऐसा चेहरा है सबसे पहले जो भाग कर आता है. जानवर को मारने की सजा 5 साल और इंसानों को जो जिस लोगों ने मारे, जो जस्टिक लोहिया जी है, अपने इशरत जहां केस है, शराबुद्दीन केस है, इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ है, उसके आरोपी जो है तो खुले घूम रहे हैं. वेल आई थिंक ही डिजर्व्स इट. आई मीन सो ही हैज टू पे फॉर व्हाट ही डिड रॉन्ग. तो और ऐसा है कि इज नॉट गोइंग टू बी इन अ जेल जेल राइट. वो तो निकल जाएंगे ना, बेल मिल जाएंगे एंड ही विल बी गॉन. बट होपफुली आई थिंक ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग टू बी अ गुड पर्सन. तो मिस्टेक्स तो सभी से हो जाती है, बट दैट डजंट मीन ही इज बैड एट ऑल. पर आई थिंक द इंडियन जस्टिस सिस्टम हैज टू प्रूव राइट. सोशली इतने इन्वॉल्व रहते हैं, उनका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, सोशली हेल्प करते हैं. तो शायद कुछ जैसे लालू प्रसाद जो करप्शन करके भी मतलब बच जाते हैं, बेल मिल जाते हैं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेल जैसे मतलब आसान कुछ रास्ता निकल आए जो बाहर निकले. यही है कि मतलब जिन्होंने सजा हुई है 5 साल बताया है, 5 साल सजा हुई, तो दुख तो है इस चीज का. आज दुख की वजह से यहाँ के घर के सामने भी खड़े हैं, उनके घर के पास में खड़े हैं. और बाकी जो है कानून तो खैर अपने दायरे में काम करता है, जो भी है सजा है वो माननी पड़ेगी सबको. और यह है इतने भी टॉर्चर करना, मतलब किसी इंसान की, काफ़ी गरीब इंसान है, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं बेचारे, जो गाड़ी काफ़ी गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मदद करते हैं. मतलब चैरिटी हैं, कई कई चैरिटी भी चलती हैं इनकी, जो मैं काफ़ी पैसा देते हैं, अपने कमाई का भी 90% जो है गरीबों में बांटते हैं. इनका जो है रूल जो है, मैं ये चाहता हूँ कि जो इनकी जल्दी से जल्द मतलब वापस आए, पैरल पर आए या चाहे बेल पर आए, मैं भी यही दुआ है बस. हाँ, वो सैन फ्रांसिस्को में मेरी फ्रेंड है भाविनी जोशी, वो ऑर्गेनाइज कर रही थी. April 6 को उनका शो था विद कटरीना कैफ एंड सम अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. तो वहाँ पे तो लाइक आई ऑलमोस्ट परचेज अ टिकट वर्थ लाइक $500. तो उन लोग ने मुझे वापस रिफंड भी दे दिया, पर मुझे पता नहीं चला कि क्यों दिया. तो अभी तो मैं यहाँ पे मेरी बहन के वहाँ, तो हम लोग घूमने के लिए निकले थे एंड सडनली आई सी कि देयर इज ऑल दिस पीपल. मैंने बोला क्या हो गया यहाँ पे. Then I came to know okay, my God, you know, he got convicted. But of course, he won't be punished like a common man. You know, he has money, so bail pe he will get out. But that's Salman Khan. Unka kuch na kuch to chalta hi rehta hai, you know. That's him. And Salu, hope you just, you know, take life a little seriously. Baki to sab kuch theek hai. He's an awesome person. Ji, bahut bade dukh ki baat hai ki Salman Khan, hum Salman Khan ke fan hai. जिस जगह पे हम आज खड़े हुए हैं, यहाँ सुबह में रोज जो है तो लाइन लगी हुई रहती है और कैंसर पीड़ित के लिए वो जो है तो हेल्प करते हैं. इतने बड़े दिलदार आदमी को ये साथ जो हरकत हुई, जो घटना हुई, वो हमें उसका बहुत दुख है. मैं फैन तो मतलब नॉर्मल फैन हूँ, बट मेरे को ना ऐसा लगता है कि मतलब मजा कर रहे, मतलब उसका हर हम हमेशा का ऐसा होता है, फिर बाद में वो बच जाता है. तो मेरे को लगता है ये टाइम भी बच जाएगा, तो इतना सीरियस होने वाली बात नहीं है. मतलब जेन्युइन रिएक्शन है ये. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए उससे यार, क्योंकि यार वो इतना सब केस से बच के निकला है वो, तो मेरे को लगता है इससे बच जाएगा. बट ठीक है यार, मतलब शुड नॉट सी सलमान खान एज अ पर्सन. मेरे को लगता है मतलब मैंने जितना उसको ऐसा टीवी में स्क्रीन में देखा है, थोड़ा मूडी है मतलब, बट फेक नहीं है. जैसा है वो वैसा दिखाता है, उसको गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है, तो कभी कभी उसका मूड एकदम ऑफ हो जाता है, कभी कभी वो बहुत दिलदार है, कभी कभी उसका मूड एकदम, तो सब उसके मूड के हिसाब से. सो वो बंदा ऐसा है कि उससे कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मतलब अरे यार ये मतलब सलमान खान से मिलने जा रहे हो तो मतलब अनप्रेडिक्टेबल कुछ होना ही है. तो उसकी आने वाली बहुत सारी फिल्में थी, दबंगगिरी, रेस 3, भारत, अब क्या लगता है आप देख पाएंगे वो फिल्में? अरे नहीं यार, वो सब देखूंगा यार, क्यों नहीं देखूंगा. देख, सलमान खान एज एन एंटरटेनर हम सबको पसंद है यार, बट एज एन एंटरटेनर अच्छा है बस, दैट्स इट.